हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो देखिए व्यूअर्स, आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर ऑसम हाउस प्लान्स में। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो कंसिस्ट करता है 34x28 में बना हुआ है खूबसूरत सा प्लान, ईस्ट फेस का प्लान है। ये है आपका फर्स्ट फ्लोर, ये है आपका ग्राउंड फ्लोर, ये डुप्लेक्स प्लान। डुप्लेक्स प्लान यानी कि दोनों तरफ से जो है इसका रोड आ जाएगा। डुप्लेक्स प्लान यानी कि घर के अंदर से सीढ़ियाँ लिया गया। तो सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, अगर आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हाउस प्लान्स चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगे, फिजिकली या प्रैक्टिकली। तो ये जो है 34x28, यानी कि इसका मोटाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, वो एक ध्यान रखने वाली बात है। एंड यहाँ से इसका एंट्रेंस रहेगा। और ये जो है नॉर्थ फेस प्लान है, नॉर्थ फेस यानी कि यहाँ से एंट्रेंस रहेगा। इधर से एंटर होकर 1 BHK प्लान यहाँ पर, यानी कि किचन कम डाइनिंग एरिया है, स्टेयरकेस है, बेडरूम है, कॉमन टॉयलेट बात है, यहाँ पर हॉल। सेम उसी तरह इधर जो है दूसरा वाला पोर्शन, यहाँ से एंटर हुए तो 2 बेडरूम आ जाएंगे, यानी कि टोटल 3 BHK डुप्लेक्स हाउस प्लान है ये, विथ बालकोनी के साथ। यहाँ पे खूबसूरत सा बालकोनी भी मिल जाएगा आपको। तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होता है और कितना मंजिल और कॉलम का साइज़ कितना लेना चाहिए, जैसे ये कॉलम देख सकते हैं, कॉलम का साइज़ कितना लेना चाहिए और किस तरह से आप भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फ्यू जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और सब शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ एंटर हो गए, ये पार्किंग एरिया 12x12 का जो है पार्किंग एरिया रहेगा। यहाँ से एंटर हो गए, एंटर होते ये हॉल, हॉल का साइज जो है 14x9 फिट का ये हॉल आ जाएगा, इतना सा पूरा कंप्लीट। और यहाँ पर एक विंडो, यहाँ पर एक विंडो लिया गया। फिर यहाँ से आप एंटर हो गए घर के अंदर, एंटर होते ही इधर जो है आपका डाइनिंग एरिया आ जाएगा, किचन कम डाइनिंग एरिया 9x14 फिट का ये किचन कम डाइनिंग एरिया। यहाँ पर जो है स्टेयरकेस आ जाएंगे, 6x10 फिट का स्टेयरकेस। फिर इधर से एंटर हो गए तो बेडरूम नंबर 1, जिसका साइज जो है 11x10 फिट का रहेगा ये वाला बेडरूम। और यहाँ है कॉमन टॉयलेट बाथ, 7x3 फिट 6 इंच का जो कॉमन टॉयलेट बाथ रहेगा। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए 2 फिट ऑफसाइड जगह छोड़ा गया, इधर पूरा कंप्लीट और कंपाउंड वॉल लिया गया। फिर देखिए यहाँ से आप एंटर होते हैं फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर यहाँ तक आ गए तो फर्स्ट फ्लोर का पूरा आपको फुल व्यू में ही दिखा दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर, यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो है फर्स्ट फ्लोर आपका, फर्स्ट फ्लोर यहाँ एंटर होती है आपकी किचन जो था ना, उसके ऊपर जो है बेडरूम लिया गया और एक कॉमन टॉयलेट बाथ यहाँ पर 7x3 फिट 6 इंच का। यहाँ पर ये दरवाज़ा लिया गया एंट्रेंस के लिए, ये बेडरूम नंबर 3, 9x6x10 फिट का ये बेडरूम नंबर 3 रहेगा। एंड ये है आपका स्टेयरकेस से इधर एंटर हो गए तो ये वाला बेडरूम, इसको भी क्या है अटैच टॉयलेट बाथ लिया गया। यहाँ पर अलमीरा शेल्व्स ले सकते हैं, 11x10 का आपका बेडरूम। यहाँ पर एक विंडो लिया गया, तो आप चाहे तो इस विंडो को यहाँ पर भी ले सकते हैं, अगर शेल्व्स यहाँ है तो आप विंडो को इस तरह मूव भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सा बनाया गया। एंड यहाँ से ये ओपनिंग, ये जो है एक लिविंग कम हॉल कम लिविंग, यानी कि ये दरवाज़ा ना ले, ये डोर ना ले या फिर वॉल कंस्ट्रक्शन ना ले, इसका कोई नेसेसरी नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये वाले कॉलम, ये पूरे कॉलम जो है एक के साथ एक मिलना बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी था, तो उसकी वजह से ऐसा लिया गया। और ये बालकनी यहाँ से इधर जो है आप ग्लासेस लगा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, या फिर इसको थोड़ा आगे रेस करके भी बालकनी पूरा भी ले सकते हैं, कैसे स्लैब आ जाएगा। और इधर थोड़ा जगह, इसको भी आप चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं, बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं आप, डेफिनेटली ऑफ कोर्स इसको आप बड़ा कर लीजिए। एंड यहाँ पर एक विंडो ले सकते हैं, और इधर चाहे तो पूरा कंप्लीट एक हॉल भी ले सकते हैं, ऐसा पूरा कंप्लीट बड़ा सा हॉल, इसको जो है इधर ड्रेसिंग रूम विद बड़ा सा एक तो बेडरूम भी बना लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आखिर में एक बार आप देख सकते हैं दोनों प्लान एक साथ, एक बार देख लीजिए, ताकि आपको आपके मन में कोई डाउट रहा तो क्लियर कर सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर इसका PDF फाइल चाहे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, PDF फाइल चाहे तो आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, हम आपको इसका प्लान सेंड कर देंगे। थैंक यू, कमेंट कर दीजिए, मैं ईमेल प्लान सेंड कर देंगे। और अगर आपको प्लान कौन सा चाहिए आपको प्लान, वो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे।